मोबाइल में दोस्तों, मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। कैन 360 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सैर कराएंगे मुंबई से दिल्ली की, वो भी बाय रोड। क्या क्या है रास्ते में, क्या क्या पड़ता है। अब घड़ी में 3:20 हुआ है और हम यहां से निकलते हैं मुंबई से दिल्ली के लिए। बीच में हमारा जो जो स्टे रहेगा हम आपको दिखाएंगे और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी निकलते हैं सफर के लिए। बहुत ही मजेदार सफर होने वाला है, हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अभी हम अंधेरी से निकल रहे हैं, अंधेरी वेस्ट से मैं निकल रहा हूँ अभी, और बस हमारी गाड़ी तैयार है। दोस्तों, मुंबई में काफ़ी भीड़ रहती है और कभी भी मुंबई से अगर घूमने आपको निकलना है तो रात को ही निकलें, नहीं तो मुंबई में ही आपको 1 से 1.5 घंटा आपको अंदर जाने में, निकलने में भीड़ भाड़ में लग जाएगा आपको। हम इसलिए 4 बजे निकले। जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये मेट्रो के नीचे का हाईवे का रोड है जो काफ़ी पैक रहता है, तो इसलिए रात को निकलना ही सबसे अच्छा है। हमने हाईवे पकड़ा और यहाँ से दाईसर होते हुए उसके बाद सूरत के रूट से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं ये कांदिवली है। कांदिवली जैसे क्रॉस हुआ ये दाईसर टोलनाका आया है। टोलनाके पर सबसे पहले अगर टोलनाके की बात करें तो दाईसर का टोलनाका आता है अगर अंधेरी से आप निकलते हैं। आप देख रहे हैं रोड काफ़ी साफ है, खुला है, ये सिर्फ रात को ही पॉसिबल है, दिन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। रात को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आगे जो ट्रैफिक है वो दाईसर से आगे जाके वसई में जो नो एंट्री खुली रहती है वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। बाकी काफ़ी खुला रोड है। अभी हम रास्ते में तकरीबन 300-350 किलोमीटर मुंबई से आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा तो नाश्ता और फ्रेश होकर फिर आगे की तरफ निकल रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा नाश्ता। सुबह मॉर्निंग में निकले और अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि जल्दी जल्दी पहुँचा जाए, और 120 की स्पीड से हम पहुँच रहे थे और गाड़ी चलते हुए जा रही थी। तो जैसे ही सूरत पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी और सुबह सूरज निकलते हुए हमें दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था।
सुबह सुबह की अगर बात करें तो ट्रैफिक बहुत ही कम था उधर। हम पहुंचे हैं, अभी 2:30 बजा है और कुछ खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर। कौन सी जगह का ये? ये नगर का बाईपास चौकड़ी। बाईपास चौकड़ी है, प्लेट रेस्टोरेंट। प्लेट रेस्टोरेंट है बाईपास चौकड़ी। हम यहाँ पे रुके हैं और कुछ खाने के लिए अभी लंच वगैरह देख रहे हैं क्या मिलेगा यहाँ पर। रेस्टोरेंट में हम पहुँच गए क्योंकि सुबह 4 बजे के निकले हुए थे और लंच का टाइम हो चुका था, और बैठ गए हम होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मेनू कार्ड को देखा तो मेनू काफ़ी सस्ता था, मुंबई के मुकाबले रेट काफ़ी वाजिब थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे। करमा सेवन लेक रिसोर्ट में हमने एक रूम बुक किया और देखते हैं कैसा है रूम। दोस्तों हमने पूरे उदयपुर में होटल देखा, कोई होटल पसंद नहीं आया जल्दी से क्योंकि पार्किंग नहीं थी, बहुत कंजेस्टेड है। तो हमें मिला है करमा रॉयल ग्रुप का रिसोर्ट, उसमें रुके हैं 304। आइए। रूम है, कैसा लगा आपको ये रूम? रूम आपको कैसा लगा? बाहर का व्यू है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आपको ये रूम कैसा लगा। और सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, नीचे ऊपर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे, राजस्थानी फोक डांस वगैरह है, नीचे रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो करमा रॉयल ग्रुप की अगर बात करें तो ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है। ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे कुछ डांस और म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है और जितने भी होटल के लोग हैं सब बैठ के देख रहे हैं। हम नीचे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है, और टेरिस से व्यू तो आपने देख ही लिया। Thank you.
कर रहे थे, कौन सा डांस था, इसको क्या बोलते हैं? इसको जी तेरे ताली कहते हैं। हाँ, इसको तेरे ताली कहते हैं। हम परंपरा से हमारे माता पिता यही करते आए, हम भी यही उनकी दुआ से हम भी यही करते हैं बाबा रामदेव जी का। और क्या क्या आपको आता है, कालबेलिया वगैरह उसको साथ? हाँ जी, तेरे ताली, कालबेलिया, छरी, घूमर, सब हम ये हर होटल में हर ऐसे फंक्शन करते आए, हमारा घर बंदा सब कुछ काम इससे चलता है। और क्या कहना चाहेंगे उदयपुर में, और कैसा कल्चर और क्या क्या करते हो आप यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम में, जैसे राजस्थानी फोक डांस वगैरह? ऐसे कालबेलिया करते, छरी नृत्य करते, तिर ताली करते, भवे भी करते, हर ऐसे फंक्शन जो ऐसे ब्याह शादी में हर जी। आपके ग्रुप का नाम क्या है? हमारा ग्रुप का तिर ताली और ग्रुप लीडर धन दास जी। सबसे पहले आपका नाम? धन दास। ये कब से करते हो? ये बचपन से सीखे, अभी कम से कम 10-15 साल हो गए। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। ये जो बजाते हैं कब से करते हैं आप? ये भी मुझे 10-15 साल मुझे भी हो गए। तो ये हम आए लेट, हमें एक अच्छा सा लगा। तो ये जो है, जो क्लब है ये, इसके अंदर किस तरह के गाने मतलब बजाते हो आप, किस तरह के, कौन सा संगीत है ये? राजस्थान, राजस्थानी फोक है सर। हाँ? और राजस्थानी संगीत गीत है ये, हम हमारे हिसाब से जो परंपरा से गाते आ रहे हैं वो गाते हैं। और जो डांसर है लड़की, जो आपकी वाइफ है, क्या क्या कालबेलिया और क्या क्या करते हैं आप इसमें? मेन तो काम हमारा तेरे ताले का है। हाँ, तेरे ताले क्या होता है? तेरे ताले होता है और चरी डांस, घूमर, मटके वाला, ये पूरा कर लेते हैं। तेरे ताले मतलब इस टाइप के छोटे मजूरे होते हैं। अच्छा, 13 तरह के। अच्छा, उसको बड़े स्टेट लेवल का पूरा शरीर के अंगों पर बांध के फिर उसके हिसाब से किया जाता है। उसमें माँ की आरती होती है, हिंगलाज माँ की, उसको सर पे रख के और फिर उसको तेरे ताली के नाम से बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। थैंक यू।